जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरसी रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट 2022 के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। एंड आपकी कट ऑफ कितनी गई है ये कट ऑफ भी आपको यहाँ पर बताई जाएगी। अभी यहाँ पर दोस्तों जो आपका रीजन वाइज रिजल्ट जारी हुआ है, ये आपका अभी सिर्फ दो रीजन का आया है, बाकी रीजन का भी जैसे ही आएगा मैं यहाँ पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in के ऊपर अपडेट कर दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली वन क्लिक के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो चेक कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको कैसे रिजल्ट चेक करना है और आप कैसे आपके नंबर चेक कर पाएंगे वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपको यहां पर आना है आरआरसी ग्रुप डी रिजल्ट रीजन वाइज मेरिट लिस्ट एंड कट ऑफ में। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपका भोपाल और जो गुवाहाटी है इन रीजन का रिजल्ट और जो कट ऑफ है वो आ चुकी है। जैसे कि अगर आप यहां पर भोपाल पर जो रिजल्ट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपने इस रीजन में अप्लाई किया था तो आपके सामने यहां पर जो आपकी लिस्ट है पीडीएफ की वो आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कितने कैंडिडेट का यहां पर सिलेक्शन हुआ है, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट यहां पर शॉर्ट लिस्टेड हुए पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए। एंड जो इसकी कट ऑफ है वो क्या रही है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। जैसे आप कट ऑफ के सामने इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कट ऑफ का जो पीडीएफ है वो आ जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर कितना है यूआर यानी कि जनरल के लिए, और नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना है जनरल के लिए। एससी के लिए 87 है आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो, एंड नॉर्मलाइज्ड स्कोर 49 है। इसके अलावा एसटी के लिए 83 और नॉर्मलाइज्ड स्कोर 44, ओबीसी में परसेंटाइल स्कोर 93 एंड नॉर्मलाइज्ड स्कोर 58, ईडब्ल्यूएस में 79 और नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपके मार्क्स 40 यहां पर गए हैं इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग। एक्स सर्विसमैन का भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अभी यहां पर बात करते हैं कि आगे आपको करना क्या है और आप कैसे आपके जो रिजल्ट का स्कोर है वो चेक कर पाएंगे। तो आप यहां पर इस पीडीएफ में अगर टू पॉइंट में आएंगे तो आपको बोला है कि ऑल कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो व्यू दियर परसेंटाइल स्कोर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एंड शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस फॉर पीईटी बाय लॉगिंग इन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि अभी प्रोवाइड किया नहीं गया है, कराया जाएगा। इसमें आपको रजिस्टर नंबर एंड जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करने की आवश्यकता होगी, यानी कि ये चीज आप एंटर करके आपका जो रिजल्ट है वो चेक कर पाएंगे। इसमें आपका रजिस्टर नंबर डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करेंगे, जिसका लिंक 27 दिसंबर 2022 शाम 6 बजे अवेलेबल होगा और 1 जनवरी 2023 तक वो वैलिड रहेगा, यानी कि इस डेट से लेकर के इस डेट तक आप आपका जो परसेंटाइल स्कोर है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर है एंड शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस है आपका पीईटी का वो देख पाएंगे खुद से। इसके अलावा यहाँ पर गाइज आप ये जानेंगे कि इसमें आपका आगे क्या रहेगा। तो बेसिकली आपका पीटी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, तो आपको एग्जाम पैटर्न में पता चल गया होगा कि पीटी में आपका क्या क्या होने वाला है। यहाँ पर गाइज जो आपके अन्य पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर आप शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स देख सकते हैं लेवल फर्स्ट के, तो आप यहाँ पर अगर आपका रोल नंबर चेक नहीं कर पा रहे तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ से इसमें कंट्रोल एफ कर लीजिएगा। कंट्रोल एफ करने के बाद में आप आपकी इस पीडीएफ के अंदर चेक कर सकते हैं कि आपका रोल नंबर टाइप करके आपका रोल नंबर इसके अंदर है या फिर नहीं है। अगर आपका रोल नंबर है इसका मतलब है कि आप सिलेक्ट हुए हैं। अगर आपने इस पीडीएफ को मोबाइल के अंदर ओपन किया है तो आप राइट साइड में जो तीन डॉट होती है उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड आप वहां पर फाइंड पेज उसके ऊपर टच करके फिर आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे, तो आपको सर्च करने में आसानी रहेगी मोबाइल से कि आपका रोल नंबर इसमें है या फिर नहीं है। और जो कैंडिडेट इस रिजल्ट को क्वालिफाई कर गए हैं और पीटी के शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। एंड आशा करता हूं, दुआ करता हूं कि जो आगे का आपका पीटी का प्रोसेस है वो भी पूरा हो जाए और आपसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप इसमें अब जॉब लेकर के ही रहे, क्योंकि आपने काफी लंबा इंतजार इसके लिए किया है। तो ये तो ही आपकी रिजल्ट चेक करने की जानकारी। अब जो बाकी के रिजल्ट है जैसे ही आएंगे अन्य रीजन के, तो वो आपको यहीं पर हमारी वेबसाइट पर इस तरह से लिंक डायरेक्टली दिए जाएंगे, ताकि आपको कहीं पर कोई और जाने की सकता ना पड़े और आपको कोई डिफिकल्ट प्रोसेस झेलना ना पड़े, आपको आसानी से यहां पर आपका रीजन वाइज रिजल्ट और कट ऑफ मिल जाए। अभी यहां पर कुछ और पॉइंट है वो भी आप देख लीजिए। आपको यहां पर ये बोला है कि
अकॉर्डिंगली टू अकॉर्डिंगली द पीटी शेड्यूल फॉर द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का पीटी का शेड्यूल है वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा एंड साथ ही आपको SMS ईमेल के माध्यम से भी बताया जाएगा कि किस दिन आपका ये है, और इसके लिए आपको डाउनलोड करने होंगे आपके एडमिट कार्ड। जी हाँ, आपको ऐसे नहीं जाना होगा, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे पीटी के लिए। तो जिन कैंडिडेट यहाँ से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे, जिसकी डिटेल आपको आगे टाइम आने पर बता दी जाएगी ऑफिशियल वे में भी और ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी, एंड हम भी आपको बताएंगे जिस दिन आपका ये आएगा और फिर कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। एंड अगर आप मेरे द्वारा अपने इस पीटी के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, कैसे वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो जो लिंक मैंने आपको हमारी वेबसाइट का दिया है इसमें आपको सबसे लास्ट में आना है और कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पर आपका नाम देंगे, आपकी ईमेल आईडी देंगे, आपका फ़ोन नंबर देंगे और मैसेज के अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो आप यहाँ पर इसी जो आपको ये पीडीएफ दिया है यहीं से समझ लीजिए। बेसिकली आपको यहाँ पर आपका जो रजिस्टर नंबर है वो देना होगा और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको देना होगा, क्योंकि बिना इसके तो मैं भी चेक नहीं कर सकता। तो आपको आपका रजिस्टर नंबर और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर मैसेज में टाइप करना है और साथ ही आपको लिखना है RRB या फिर RRC ग्रुप डी एग्जाम, और इसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी और फिर मैं ट्राई करूंगा कि जिन कैंडिडेट को भी रिक्वेस्ट जिन कैंडिडेट ने भी रिक्वेस्ट की है उनका पीटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की या फिर उनका पीटी का नॉर्मलाइज्ड या परसेंटाइल स्कोर चेक करने की, तो उनको मैं बता पाऊँ ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो ये आप बता दीजिएगा अगर आप मेरे द्वारा आपका जो परसेंटाइल और नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो चेक कराना चाहते हैं और पीटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना चाहते हैं। अभी गाइज आपने यहाँ पर जान लिया आपके इस रिजल्ट के बारे में। तो अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट रह गया किसी जानकारी को लेकर के, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। गुवाहाटी रीजन का भी आया है, गुवाहाटी रीजन का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंडीशन जो मैंने आपको बताई है वो सभी सेम रहेगी, बस यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो यानी कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है वो आप यहाँ से इस तरह से चेक कर सकते हैं। एंड जो गुवाहाटी रीजन का स्कोर रहा है परसेंटाइल स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर यानी कि कट ऑफ, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि UR SC OBC का कितना रहा है। इसके बारे में डिटेल्ड आपको परसेंटाइल के बारे में एक वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि ये कैसे है और किस तरह से आप इसको सही से समझ पाएंगे। तो गाइज़ अगर आपने जानकारी देख ली है और कोई सवाल डाउट है जैसे कि मैंने कहा तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।